हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे. आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द वेदर कुछ हैक्स लेके आई हूँ, तो उम्मीद है आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे. लेमन को अपने रूटीन में इन डेज़ में, मानसून डेज़ में ज़रूर ऐड करें. लेमन बहुत अच्छा होता है. लेमन के डिफरेंट ड्रिंक्स बना के पिए. लेमन को सैलड पे इस्तेमाल करें, यह आपके मिनरल्स को रिस्टोर करता है. ड्रिंक्स में आप लेमन हेड बना के पी सकते हैं और मिंट मार्गरिटा पी सकते हैं. और भी बहुत सारे लेमन के ड्रिंक्स हैं जो आप मानसून के वेदर में पी सकते हैं. आप सिंपल प्लेन वाटर में भी आप लेमन ऐड करके पी सकते हैं ताकि जो आपके लॉस्ट मिनरल्स हैं वो रिस्टोर हो जाएं. और साथ आप इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर लें तो आपके जो मिनरल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. तो लेमन इस वेदर के लिए बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए. एक और चीज़ मोस्टली देखा होगा मानसून के वेदर में, हम लोगों के बाल जो हैं स्कैल्प ऑयली और जो एंड्स हैं वो बहुत फ्रीजी हो जाते हैं. उसके लिए ये एक सीरम है जो बिल्कुल स्टिकी नहीं है, बिल्कुल चिप चिप नहीं है. ये डिफरेंट ऑयल्स का बना हुआ है और इमामी इसका ब्रांड है, सेवन ऑयल्स है ये. तो आप ये अपने बालों के एंड्स पर लगा लें तो आपके बालों का जो फ्रिज है वो ख़त्म हो जाएगा. गार्लिक इज़ ए मैजिकल हर्ब, ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आप इसको अपनी पेंट्री में इसको रखें तो इंसेक्ट्स और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं आएंगे और नमी एब्जॉर्ब करेगा. और आप इसको जो आपकी राइस बकेट होती है, जिसमें आपने राइस बकेट या जहाँ भी आपने राइस स्टोर करते हैं वहाँ पे आप इसके गार्लिक के कुछ क्लॉथ्स रख दें तो वहाँ पे भी कीड़ा नहीं लगेगा आपके राइस को. मानसून के वेदर में और स्पेशली गर्मियों में, मानसून में हमारा जो है हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिससे हम लोग डिहाइड्रेटेड महसूस करते हैं. तो प्लीज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एज मच एज यू कैन. तकरीबन 7 से 8 या 9 ग्लास पानी पिए. इस वाटर में 3 to 4 ग्लास ऑफ वाटर आते हैं. तो ये अगर आप दिन में 2 बॉटल्स या 1.5 बॉटल पी लें तो बहुत अच्छा है. इससे आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी और आप जो है लेथार्जिक महसूस नहीं करेंगे. सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मानसून में एक चीज़ और बहुत कॉमन होती है कि हमारे बालों में जब स्वेटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा फंगस सी और डैंड्रफ हो जाती है. उसके लिए मैंने एक ऑयल तैयार किया है जिंजर और अनियन से. इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लें. आप इसको लगाएं तो जो सारी फंगस है वो क्योर हो जाएगी और डैंड्रफ भी. आप एलोवेरा भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मॉइस्चराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमने स्पेशली अपना फेस क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइजेशन करनी होती है, बट लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें क्योंकि हमें वैसे ही बड़ी स्वेटिंग होती है, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना भी ज़रूरी है. और एट द एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा पेस्टल्स, लाइट कलर्स के, कॉटन के हल्के फुल्के ड्रेसेस इस्तेमाल करें ताकि वो हवादार हों और आपके जिस्म पे कोई भी जो है जो पित्त और जो दाने हैं वो ना निकलें. तो आई वुड रिकमेंड यू कि हमेशा कॉटन जो है वो, उसे एलर्जी भी नहीं होती और वो बहुत एयरी होता है, तो कॉटन के ड्रेसेस इस्तेमाल करें. सो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूँगी. दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.